नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। तीनों लोकों से न्यारी काशी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भक्ति रस चरम पर दिखाई दे रहा है। बंगाल के बाद अब काशी में भी मां दुर्गा के पंडालों में मां की प्रतिमा को कलात्मक तरीके से इस प्रकार सजाया गया है कि मां की छवि देखकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं। जहां एक ओर दुर्गा पूजा पंडालों में मां का दरबार सजा है, वहीं दूसरी ओर गुजरात के प्रसिद्ध गरबा और डांडिया नृत्य के मधुर गीतों पर देर रात युवक युवतियां झिरकते नजर आ रहे हैं। आइए क्लाउन टाइम्स डिजिटल मीडिया एडिटर पूजा कपूर के साथ देखिए श्री काशी अग्रवाल समाज के बैनर तले आयोजित भव्य डांडिया महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम। श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति अशोक जी अग्रवाल, अग्रसेन पीजी कॉलेज के प्रबंधक अनिल जैन, उप सभापति उमा शंकर अग्रवाल तथा समाज सेवा मंत्री गरिमा टकसाली से पूजा कपूर ने की सीधी बात। श्री काशी अग्रवाल समाज 1008 महाराज अग्रसेन जी की 5245वीं जयंती पर सभी अग्र बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ। ये हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हम लोग ने सर्वप्रथम महाराज अग्रसेन जी के जन्म दिवस पर माल्यार्पण किया और उसके पश्चात हम लोग ने अपनी कुल देवी महालक्ष्मी जी का श्रृंगार किया। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री श्री अतुल गर्ग जी थे। तत्पश्चात डांडिया उत्सव मनाया जा रहा है। अग्रवालों की कुल देवी लक्ष्मी जी है और महाराज अग्रसेन को ऐसा कहा जाता है कि ऐसा स्वप्न आया कि वो एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो समाजवाद पे चले, और हमारे कुल देवी लक्ष्मी के इस स्वप्न पे महाराज ने अग्रवाल समाज की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात थी कि सबल लोग कैसे निर्बल लोगों को जो है सहयोग करें, ये उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत थी। और आज उसी को लेके पूरा समाज एक होके और अपने साथ मिलके और लोगों की मदद कर रहा है। काशी अग्रवाल समाज शुरू से महिलाओं को सशक्त बनाने का पक्षधर रहा है और ऐसे समय में उसने महिला शिक्षा की स्थापना की थी जबकि महिलाओं को शिक्षित करना अच्छा नहीं माना जाता था। अब की अग्रसेन जयंती पर पूरा कार्यक्रम ही उनको महिला सशक्तिकरण को समर्पित। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उप सभापति उमा शंकर अग्रवाल। महिलाएं जो है श्री काशी अग्रवाल समाज में अग्रणी रही है, तो जो अपनी भारतीय संस्कृति है पूरे भारत को समावेश करें, तो भले ही गुजरात का ये प्रोग्राम होता हो लेकिन कितनी अच्छी तरीके से हम अपनी संस्कृति सजो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है अग्रसेन समाज की समाज सेविका गरिमा टकसाली। आइए जानते हैं इनसे कि गरिमा जी, यहाँ पे कार्यक्रम में महिलाओं को आगे किया गया, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच? आज महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है और हमारे काशी अग्रवाल समाज को मैं प्रोत्साहित करते हैं हम लोगों को, आप अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करिए, आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग अग्रवंश के कुलक महाराज अग्रसेन जी की जयंती मना रहे हैं। छात्रावास कर्णघंटा में देखिए गुजरात का गरबा नृत्य। संस्था के प्रबंधक अनिल शास्त्री बता रहे हैं कि क्या है खास। 1951 से गुर्जर नवरात्र महोत्सव समिति के हिसाब से यह आयोजन यहाँ परंपरा से चला आता है और हमारे यहाँ भगवती की परिक्रमा का जो उसका महत्व है, रात्रि को गरबा नृत्य करके नवरात्र के उपलक्ष्य में मनाते हैं। Thank you.
राष्ट्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विमल यादव ने राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार सरकार पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि उनके यहां प्रस्तावित राम मंदिर से सजा है दुर्गा माँ का दरबार। बांग्लादेश से पिछली सरकार जो भी आई, मंदिर का निर्माण अभी तक कोई सरकार ने नहीं कराया, लेकिन मैंने दुर्गा माँ के अंदर में राम मंदिर का निर्माण करा दिया। मुगल सराय के चंदासी कोयला मंडी स्थित श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष धर्मराज यादव ने बताया कि हुबली के दुर्गा मंदिर का अद्भुत नजारा दिखाया गया है। इस बार हम लोग जो है हुगली का दुर्गा मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जो अपने में छवि अलग बिखर रहा। वाराणसी के थाना चौक अंतर्गत रेशम कचरा स्थित सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष धीरज गुप्ता ने बताया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए सजा है माँ दुर्गा का दरबार, जहाँ पोखरण परमाणु बम परीक्षण का दृश्य दर्शाया गया है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने क्लब के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था परमाणु पोखरण परीक्षण, इसके बाद जब अब अंदर आएंगे तो अटल जी के ही कार्यकाल में कारगिल भी हुआ था, उसमें हम टाइगर हिल पर पहले फतेह किए थे, तो वो एक टाइगर हिल बना है। और उसके बाद जब अब हमारे पंडाल में आएंगे तो देशभक्ति मय हो जाएंगे, हमारा पंडाल तिरंगे के थीम पर है। वाराणसी के थाना जयपुरा स्थित आजाद स्पोर्टिंग क्लब के पूजा मंत्री हर्षित कुमार ने बताया माँ दुर्गा की प्रतिमा की सज्जा बागवानी जैसे किया गया है, साथ ही डांडिया नृत्य चित्रकला प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया है। वाराणसी के थाना जयपुरा स्थित माँ दुर्गा पूजा समिति बागेश्वरी देवी के अध्यक्ष शैलेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इस वर्ष माँ दुर्गा के पंडाल को गांव का स्वरूप दिया गया है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को कलात्मक स्वरूप देने के लिए गेहूं, चावल, दाल और चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया गया है, जो लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को एक थीम लेकर के चला गया कि इस गांव में मतलब जो गांव में बनता है जैसे गेहूं, दाल, चावल जो उपजाया जाता है उसी से सारा स्वरूप मूर्ति का भी देती है हम लोग। मेरा नाम शैलेश कुमार द्विवेदी है। इस बार पंडाल में भी नया लुक है, गाँव का सीन पूरा है और चावल, दाल, गेहूं, सहयोग में हमारे राजेंद्र जायसवाल जी हैं, गुप्ता जी हैं, बिहारी जी हैं और सारे बच्चे हैं, सब सहयोग में जो है 2 महीना से लगे हुए हैं। वाराणसी के थाना कोतवाली स्थित ठकवापुरा श्री जगदम्बा पुण्योत्सव समिति के महामंत्री राकेश केशी ने बताया कि पहाड़ों पर सजा है माँ का दरबार। पंडाल के भेद के बाद शिव जी का जो प्रतिमा बना हुआ है उनका अर्घा और शिवलिंग और उसके अंदर माँ की दुर्गा माँ की प्रतिमा पहाड़ों पर बसी हुई है, यही हम लोगों ने दर्शाया हुआ है, यही हम लोगों का ध्येय है। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।